कोरोना से जंग की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के खात्मे के लिए शनिवार को शुरू हुए टीकाकरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC को भी चुना गया। यहां पर वैक्सीन लगवाने में आधी आबादी सबसे आगे रही। अधीक्षक डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा और डॉक्टर पी गोविंद की देखरेख में पहला टीका सुबह 9:30 पर अस्पताल के प्रतिरक्षण अधिकारी शकुंतला राय को लगाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती नर्मदा सिंह, ANM कमल थापा और आशा कार्यकर्ती यशोदा ने टीका लगवाया। टीकाकरण टीम में प्रशांत गोविंद राव, शाइन प्रवीण, अर्चना उपाध्याय, शाहिल सत्यभामा पांडे व सत्यवती सिंह रही। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 100 लोगों का टीकाकरण होना था, लेकिन 62 ने ही टीकाकरण कराया, जिसमें सभी महिलाएं ही शामिल रही। आपको बता दें, शनिवार को जिले में कुल 307 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 136 पुरुष और 171 महिलाएं शामिल हैं। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि किसी टीकाकृत व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या या एलर्जी जैसी परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि BRD मेडिकल कॉलेज में 52 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 39 पुरुष और 13 महिला शामिल रही। जिला चिकित्सालय पुरुष में कुल 43 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 33 पुरुष और 10 महिला शामिल रही। जिला महिला चिकित्सालय में कुल 54 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 46 पुरुष और 8 महिला शामिल रहे। सहजनवा में कुल 54 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 8 पुरुष और 46 महिला शामिल रही। कैंपियरगंज में 42 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 10 पुरुष और 32 महिला शामिल रही। वहीं पिपराइज में कुल 62 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 62 महिलाएं ही शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज COVID-19 का टीकाकरण बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमारे 6 सेंटरों पर टोटल 307 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसमें खासकर सबसे ज़्यादा महिलाएं थीं, जिसमें 307 में से 171 महिलाएं थीं। महिला देखा गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और किसी भी तरह का किसी भी चीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं आई। इवन किसी ने पेन तक कंप्लेंट नहीं किया और सब कुछ सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ। किस मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा महिलाएं टीका लगवाई? पिपराइज में 62 हुए हैं, 62 की 62 महिलाओं ने टीकाकरण कराया। सर, कल जब सर्वर फेल हो गया था तो आप लोगों के द्वारा भी सूची तैयार की गई थी, जिसमें आपका भी नाम था, तो फिर ये किस तरह से गायब हो गया? चूँकि सर्वर बाद में चलना शुरू हो गया, तो शासन से इंस्ट्रक्शन आके सर्वर का ही डेटा माना जाए, तो सर्वर से जो सूची निकली तो उसमें जिनके नाम थे उन सबको रजिस्टर किया गया, उनका वैक्सीनेशन किया गया। आगे के लिए क्या कुछ तैयारियाँ? आगे के लिए इसी तरह से वैक्सीनेशन होता रहेगा, जब भी सरकार जो भी डेट देगी उसमें वैक्सीनेशन हम करेंगे, और जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी सरकार की अनुमति से शामिल करेंगे और वैक्सीनेशन 100% पूरा हो जाएगा।